नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त प्रिया सरकार आपके ही YouTube चैनल DIY Things with Priya में आपका स्वागत करती हूं। आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो टमाटर के प्लांट के बारे में है कि उसकी केयरिंग कैसे करें और अगर आपके टमाटर में सड़न लग रही है तो उसे कैसे बचाएं और वाटरिंग कितनी की जानी चाहिए समर में। जो टॉपिक से उसके बारे में मैं बता देती हूँ आपको, अगर आपके प्लांट के जो फ्लावर है टमाटर के वो झड़ रहे हैं तो आप अपने प्लांट में बनाना पील फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके प्लांट में किसी भी तरह का सड़न लग रहा है या कोई भी कीड़े लग रहे हैं तो आप उसमें नीम की पत्तियों को पानी में उबालिए, 1 लीटर पानी ले लीजिए और उसे उबाल लीजिए। उसके बाद आप उसमें ठंडा कर लीजिए, ठंडा करके छान लीजिए। छानने के बाद आप उसमें टर्मरिक पाउडर मतलब हल्दी पाउडर मिक्स कर लीजिए 1 चम्मच और उसमें कोई भी लिक्विड हैंड वॉश, चाहे वो आप कुछ भी ले सकते हैं जो लिक्विड हो, जैसे डेटॉल हैंड वॉश मैं यूज़ कर रही हूँ, तो डेटॉल हैंड वॉश लेकर उसका आप स्प्रे पूरे मिक्स करके अच्छे से आप स्प्रे बॉटल में डालकर पूरे प्लांट पर आप स्प्रे कर दीजिए। इससे आपके जो टमाटर के प्लांट में जो भी सड़न आ रही है वो नहीं आएगी। समर में किसी भी पौधे में पानी थोड़ा ज़्यादा ही दिया जाता है, मतलब आप 2 टाइम पानी दे सकते हैं, सुबह 1 बार और शाम को 1 बार। उसका कभी भी मिट्टी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सूख रहा है, तो ऐसा होने से आपका प्लांट का जो रूट होता है वो डैमेज होगा और पत्तियाँ भी सूखने लगेगी। इसीलिए आप सुबह 1 बार वाटरिंग करें और शाम को 1 बार वाटरिंग कीजिए। कोई भी जो प्लांट होता है जो फ्लावर देगा आपको या कोई भी फल देगा, उनको आपको पूरी तरह से सनलाइट देनी पड़ेगी, मतलब 6 से 7 घंटे की धूप उसको चाहिए फ्लावर या फ्रूट बनाने के लिए। तो आपका जो ये प्लांट है, टमाटो का हो चाहे मिर्ची का हो, आप टमाटो का प्लांट है तो उसको भी ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पर उसको पूरी तरह से धूप लगे, अच्छी सनलाइट प्रोवाइड करानी पड़ेगी, तभी आपके फूल जो है वो फल में कन्वर्ट होंगे। अदरवाइज अगर वो छांव में पड़ा रहेगा तो आपको ये कभी भी फूल या फल नहीं देगा। फ्रेंड्स, आपको इसी तरह से अगर आप अपने टमाटर के प्लांट को अच्छे से केयरिंग, वाटरिंग, सनलाइट ये सारा प्रोवाइड कराएंगे और टाइम टू टाइम आप इसमें फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो आपका जो प्लांट है वो अच्छा फ्रूट देने में कभी भी पीछे नहीं रहेगा। एक चीज़ और है, अगर आपके जो भी पत्तियों में कीड़े लग रहे हैं उसकी आपको कटिंग करनी पड़ेगी। अगर आपके टमाटर में सड़न आ रही है तो आप उसको भी काट दीजिए, क्योंकि जो चीज़ सड़ चुकी है या जिसमें कीड़े लग चुके हैं वो चीज़ अब वापस हट नहीं सकती है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो नए जो आ रहे हैं प्लांट में जो टमाटर या फूल वो डैमेज ना हो आगे, तो आपको जो सड़े हुए जो चीज़ें हैं उनको हटाना पड़ेगा, जो कीड़े लगे हुए हैं उनको भी आपको हटाना पड़ेगा, तब उसकी कटिंग कर लीजिए। तो इस तरह से वो जो बीमारी है वो दूसरे जो टमाटर है उसमें नहीं लगेगा। आपको टमाटो के प्लांट के बारे में और किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। समर में अगर आप टमाटो चाहते हैं तो आपको इसके जो बीज है वो लगाना पड़ेगा जनवरी के लास्ट मंथ में लगाएंगे तो आपको ये 90 दिन के अंदर आपको फ्रूट देना स्टार्ट कर देगा। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और नहीं अच्छा लगा है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे रेड बटन पर क्लिक कीजिए और मेरे लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर हिट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।